उसी तरह ही नहीं, मेल का मसला है कि मेल का मसला है कि डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह औरत एक कमिटमेंट दे नाल चलती है मोस्टली, अगर तुसी ते देखो बंदे नहीं चलते मोस्टली मैं लफज है नहीं क्या कि वो नहीं चलते, औरतां मोस्टली चलदियां ने। अगर तुसी ये देखो कि लोन अगर मेल और फीमेल दोनों ने लिया तो तुसी पे बैक देखना उहदी, औरतां दी जिहड़ी हुंदी है रेशो वो मर्दां दी रेशो नालों बहुती हुंदी है, कि जिहड़ा फ्रीकुएंटली टाइमली जिहड़ा दे रही ਠੀਕ हुंदियां ਹੋ ने। ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਟੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਦੈਨ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਬੜਾ ਦੇਖਭਾਲ ਠੀਕ ਕੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਸਟੈਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਵੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਵੁਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਫੌਜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਫੌਜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपके सारे जो हैं वो काफ़ी मतलब वैलिड हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री ये करना चाहूँगी कि एक्नॉलेज हम लोग इसको वर्बली हम लोग इसको एक्नॉलेज नहीं करते, नहीं तो अगर कोई भी औरतें सारी अगर आज औरतें जो जैसे आपने बताया खेतों में भी काम करती हैं घरों में भी करती हैं, अगर ये काम छोड़ के बैठ जाएंगी तो आप रुक जाएंगे एकदम, मतलब औरतों के साथ साथ आदमी भी रुक जाएंगे। एक्नॉलेज तो हम लोग इसको करते हैं, एक्चुअली हम लोग इसको एडमायर नहीं करते। दिस इज़ द बेसिक इशू कि हम लोग एक्नॉलेज तो करते हैं, हमें पता है कि घर जाएंगे अच्छा घर साफ भी होगा, अच्छा मेरे कपड़े इसलिए किए अलमारी में भी पड़े होंगे, या जो औरत खेत में काम कर रही है उसके आदमी को पता है कि अच्छा आधा काम मैं कर लूँगा आधे से ज़्यादा ये कर लेगी, बात अप्रिसिएशन की है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते और आप क्यों नहीं मैं वही गल कर रहा हूँ रिकोगनाइज नहीं करते वर्बली जी अभी गल कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स अभी देखिए तो औरतों का किरदार उस इकोनॉमिक इकोनॉमी और अंदर सानू नज़र नहीं आता, गवर्नमेंट भी उन्होंने इस तरह ओन नहीं करती, की वजूहत की ने? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को आपको ज़रा ओन करने के सिलसिले में इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे कर लेना चाहिए। आप ये भी यहाँ बैठी हैं, ये भी यहाँ बैठी हैं, इनको गवर्नमेंट ऊपर नहीं लेके आई है, ये अपनी स्किल से ऊपर आए हैं ये लोग। अगर मैं भी यहाँ बैठी हूँ तो मुझे गवर्नमेंट ने कभी नहीं आके कहा कि तुम कॉलम लिखो या तुम कोई तस्वीर खींचो या कोई काम करो इस चीज़ में, मतलब हमें गवर्नमेंट को मतलब लेट्स नॉट डू इट कि हम लोग हर चीज़ को गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें। हमारी ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये बहुत डीप पेनिट्रेट करती हैं कि हम लोग अपने आप को, हमारा तशख्स नहीं है एक्चुअली, हम लोग वहीं पे हैं अभी तक जहाँ पे मतलब औरतों को सती किया जाता था या कुछ भी। कर तशख्स है या जो मैं गल कर रहा हूं रिकॉग्नाइज नहीं हुई वो इसलिए कि हम लोग दूसरों के कल्चर जी नहीं, हम लोग दूसरों के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली। जो चीजें मेल्स को अपने लिए अच्छी लगती है वो फौरन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, धड़ल्ले से मनवा भी लेते हैं, औरत चूंकि बुजदिल होती है वो मतलब आपको लेट गो भी कर देती है, आपकी बात भी मान लेती है, बात सिर्फ एडमायर करने की है, बात एक्सेप्ट करने की है, और जब तक आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाएंगे आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अच्छा मैंने दसो फौजिया साहब, तुसी खैर एनलिस्ट भी हो, सोशल इश्यूज ते भी लिखते हो, जी है पॉलिटिक्स और भी लिखते हो, मैंने दसो कि वजह है कि सानू ज़्यादातर खवातीन जड़ियाँ ने, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, अगर मेल दे अंदर गुरबत नज़र आती है या अनइम्प्लॉयमेंट नज़र आती है तो फिर बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन बिजनेस टाइकूनस भी नज़र आते हैं, प्रोफेशनल भी नज़र आते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस ने, खवातीन दे अंदर वो रेशियो सानू नज़र नहीं आती, 52% तो ज़्यादा आबादी है। मैं जो रिकोगनेशन की तुहाडे नाल गल कर रहा उसकी वजह है कि सानू खेत के अंदर काम करती औरत नज़र आती है, फैक्ट्री के अंदर काम करती नज़र आती है, लेकिन ओनरशिप राइट के नाल औरत बैठी हुई उस रेशियो के नाल नज़र नहीं आती जिसे साडी सोसाइटी मर्द, उसकी वजह उसकी वजह
बेसिक उसकी वजह एटीट्यूड है हमारे मर्दों का जो रवैया है औरतों की तरफ. मतलब अगर आपको खेत में काम करती औरत नज़र आ रही है तो आदमी उसको अपनी मदद के लिए बाहर लेके आता है. वो कभी भी इसलिए बाहर नहीं लेके आएगा कि मतलब वो उतना ही ऑन करती है घर को जितना वो ऑन करता है. तो बेसिक हमारा जो प्रॉब्लम है वो एटीट्यूड इशू है. अगर आपको कोई मेल बहुत बड़ा आदमी भी नज़र आता है, बिजनेस टाइकून नज़र आता है, तो उसका वो वाला पोर्शन भी देखेंगे जिसने उसको यहाँ तक पहुँचाया है. एक बहुत मशहूर सेइंग भी है ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. ठीक. तो इसमें ऐसे ही है कि आप किसी भी आदमी को अगर देखेंगे कि उसने कुछ अचीव किया है तो उसके पीछे डेफिनेटली औरत का रोल है. आप उसको देखना नहीं चाहिए. कैसा सवाल चलना, कैसा सवाल इन्होंने किया जी कि हर कामयाब जेड़ा बंदा और पीछे एक औरत का हाथ होता है. जी कामयाब औरत होती है, बिजनेस वूमेन होती है, क्या पीछे किसी बंदे का हाथ होता है? 100% जी, 100% टोटल. अच्छा मैं इस क्वेश्चन ऐड कर देना, साढ़े एक परसैप्शन इतने आवे कि इतने वही औरत बिजनेसमैन ज्यादा बन सकती है जिरे मगर कोई और भरा चंगा सौखा है और जो वालिद चंगा सौखा है वह तो कर सकती है. लेकिन जिस तरह इन्होंने इजहार किया कि जी लोन लैन की जरूरत पै गई है, अगर वो ग्रेजुअली उपर आना चाहती है तो उन्हें जराए मौजूद नहीं, उन्हें हालात मौजूद नहीं, उस औरत उन्नी अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं जिनी कि सोसायटी ईवन जिस तरह के भी हालात ने एक मर्द मौजूद ने. अच्छा मेरा जवाब ले लेना, एक ब्रेक ले लवा फिर मैं तेरे लिए दोबारा ना नाजी साड़ियाँ गलों का सिलसिला जारी है. वक्त होया एक छोटे जे ब्रेक का, साढ़े नाल रहना, मिलते मिलने ब्रेक तो बाद.